अमी जान, ये आप क्या कह रही हैं? वो तो ऐसे कैसे कर सकती है? हाँ पुत्र, यही सच है। पहले मैनू भी यकीन नहीं आ रहा सी, मगर उन्हें सब कुछ तेरे बाबा दे नाम लिख दिता। नहीं अमी जान, उसने यकीनन बाबा जान और बीजान के दबाव में आके ये काम किया होगा, वरना वो अपना हक किसी को क्यों देगी? तू ठीक कहता है पुत्र, वो ऐसा ही है। बाबा जान ऐसे कैसे किसी के साथ इतना जुल्म कर सकते हैं? बहुत गलत किया उन्होंने। मैं जानी हूँ पुत्र, मलिक साहब ने अचंगा नहीं किया है, मगर मैं करवी की सकनी हूँ। अम्मी जान, हम कैसे उसकी चीजों पर अपना हक जता सकते हैं? मैं बीजान नाल गल कीती थी दबे लफ्जां च, मगर वो किस दी गल मंदे ने सिवाय तेरे बाबा जान दे। मैं आजा से बात करता हूँ। पुत्र तू गल करके वेख ले, मगर हुन कुछ भी नहीं हो सकता। वो वैसे भी सारा कुछ तेरे बाबा जान दे नाल कर चुकी है। मेरे सामने लगता है कि आयजा तेरे नाल शादी वास्ते राजी हो गई है, इस वास्ते उन्हें सब कुछ उन्हें दे नाल कर देता है। ये क्या बात होगी मीचान? मैं इस शर्त पे उससे शादी नहीं कर सकता, उसे अपना सब कुछ वापस लेना ही होगा। मैं बात करता हूँ आयजा से। अच्छा किया बेटा तुमने आयशा को अपने नए बिजनेस के बारे में बता दिया। इसमें छुपाने वाली भी कोई बात नहीं थी बाबू, मैं आपके पैसों से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो बेटा, मलिक अरबाज एक इंतहाई शातिर आदमी है, वो हमारे बिजनेस को शक की निगाह से ही देखेगा। हमने कुछ गलत भी नहीं किया बाब, मलिक अरबाज जब चाहे ऑडिट करवा के चेक कर ले। वो तो ठीक है बेटा, मैं मलिक अरबाज की फितरत बता रहा हूँ। वो इंतहाई लालची, खुद गर्ज और मतलब परस्त इंसान है, और मेरा ख्याल है कि उसी के कहने में आयजा ने ये स्टेप लिया हो। मलिक अरबाज की ही नजर थी आयजा के बिजनेस और जमीनों पर, और ये प्रूफ भी हो चुका है। अरे छोड़ो बेटा, हमें इन चीजों से क्या लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द अपने बिजनेस को सेट कर लो। डोंट वरी बाब, आपके दिए हुए एक्सपीरियंस का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा, और काफी प्लानिंग तो हो भी चुकी है। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बस बेटा, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम सारी चीजें मलिक अरबाज के हैंड ओवर कर। जी बाब, मैंने आयजा को बोल दिया है। गुड। राजदा एक बात बोलूं, ये जो दिलावेज है ना, वो तुम पर बिल्कुल भी नहीं गई। अब क्या हो गया रजिया? देखो ना, तुम इतनी समझदार अक्लमंद हो, वो तो बिल्कुल ही उल्टे। तुम्हारी बेटी तो मैं नहीं समझती थी कि वो इतनी बेवकूफ निकलेगी। नहीं, इससे ज्यादा और क्या बेवकूफी होगी कि उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अब चलो, तुम उसे छोड़ तो सकती नहीं हो, आखिर को वो तुम्हारी औलाद है। अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हें ही समझाना होगा उसे। अब मैं चलती हूँ, गाय को ना चारा भी डालना है। चल ठीक है, पर रजिया पे चक्कर लगाना। हाँ हाँ, तू बेफिक्र रह। आ जाए। हाय साहब, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? ये क्या किया तुमने और क्यों? आई नो, तुमने सब कुछ बाबा जान के प्रेशर में आके किया है। मैं भी जाके बीजान से बात करता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया।
अब बिल्कुल ठीक किया है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही आयजा, आखिर क्यों कर रही हो तुम ये सब, चाहती क्या हो तुम? मैं किसी से कुछ नहीं चाहती हूं, और ये भी उम्मीद करती हूं कि कोई मुझसे अब कुछ नहीं मांगे, कि मेरे पास देने को अब कुछ नहीं बचा है। मैंने अपना सब कुछ बांट दिया है आयजा, मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा है, प्लीज तुम अब यहां से चले जाओ। नहीं आयजा, मैं तुम्हें अपने साथ ज्यादती करने नहीं दूंगा। अजान प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैंने अपने आप को वक्त और हालात के धारे पर छोड़ दिया है, ये मुझे जहां लेके चलेगा मैं चल दूंगी। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं कर चुकी होती अब तक। इतनी बेजार हो चुकी हो अपनी जिंदगी से? हाँ, मुझे मेरे अपनों ने सबक ही कुछ ऐसा दिया है, जिंदगी से कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है अब मुझे। इससे पहले भी जान के आयजा के कारोबार में कोई मुदाखलत करे, मैं कराची जाके बाप बेटों से वो कारोबार ले लेता हूं। मला करबाज, अब जब सब कुछ तेरे नाम हो गया तो जल्दबाजी क्यों कर रहा है? वैसे भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है। बीजान समझा करें, वो शनाज बता रही थी कि औजान को आयजा के फैसले पे काफी इतराज है, बहुत नाराज हो रहा था। तू ऐसा क्यों नहीं करता? क्या आरजी तौर पर किसी भरोसे के बंदे को उधर भेज दे? एक भरोसे का बंदा है बीजान मेरे पास, उसको कराची भेजता हूं मैं, सारे इख्तियारात देके। ये ठीक है, तू वकील को फोन करके बता दे कि तूने अपना बंदा भेज दिया है कारोबार संभालने के लिए। ठीक है बीजान। तू ठीक कहता है मलकरबाज, औजान ही है जो कोई मसला खड़ा कर सकता है। तू जल्दी से अपना बंदा भेज उधर। तय तो मैंने पहले यही किया था बीजान, लेकिन आपकी इजाजत बहुत जरूरी होती। ठीक है, तू जा। इजाजत चाहता हूं बीजान। बीजान, ये आयजा के साथ नाइंसाफी हो रही है। औजान, कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है। बाबा जान के पास किस चीज की कमी थी जो आयजा का सब कुछ अपने नाम करवा लिया? आयजा ने जो कुछ भी अरबाज के नाम किया है अपनी खुशी और अपनी मर्जी से किया है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की किसी ने उसके साथ। नहीं बीजान, आपको नहीं पता वो बहुत उदास है। उदास होने की इसमें क्या बात है? हमारे खानदान का पैसा हमारे खानदान में ही रहेगा। चाचा शहबाज ने कितनी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया था, और आप लोगों ने मिलकर उसे सब कुछ ले लिया। उजान, तू हद से ज्यादा उसकी हिमायत कर रहा है। आखिर चाहता क्या है तू? बीजान, मैं चाहता हूं कि आप बाबूजान को समझाइए।
जो कुछ भी आयजा ने उनके नाम किया है वो सब उसे वापस कर दें। उसकी किसी भी चीज पे हमारा कोई हक नहीं है। अब तू हमें सिखाएगा? तू बीच में ना बोल। आयजा ने सोच समझ के सब कुछ अरबाज के नाम किया है। नहीं बीजान, उसने आप लोगों के दबाव में आके अपना सब कुछ आप लोगों के नाम कर दिया है। उजान पुत्र, जज्बाती हो रहा है तू। आयजा से शादी करने के बाद सब कुछ तेरा ही तो हो जाएगा। आयजा ने भी कुछ सोच के अपना सब कुछ अरबाज के हवाले किया है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं, आयजा के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। हम आयजा के दुश्मन नहीं है। कोई ज्यादती नहीं होने देंगे हम उसके साथ, आखिर वो हमारा खून है। तू भी इधर ही है, अगर उसके साथ कोई ज्यादती हो तो सवाल करने का हक रखता है। चल, परेशान ना हो, जा जाके आराम कर, जा। क्या बात है शनास, क्यों उदास बैठी है, क्या सोच रही है? क्या औजान ने कुछ कहा तुझे? औजान बेचारे ने मैनू की कहना? तो फिर परेशानी क्या है तुझको? मलिक साहब, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। पर क्यों घबरा रहा है तेरा दिल? सब ठीक तो चल रहा है मलिक साहब? पता नहीं, बस कुछ अजीब जी घबराहट हो रही है। मैनू काशान याद आ रहा है। ओ अल्लाह की बंदी, इस बात की फिक्र ना कर तू, मेरी बीजान से बात हुई है, वो बहुत जल्द काशान हमारी गोदों में खेलेगा। लेकिन मलिक साहब, दिलावेज भी तो ओदी माँ है, वो किस तरह ओदे बगैर रह सकेगी? वो पागल हो गई शनास तू, ये भी अब तू सोचेगी? वो अल्लाह की बंदी, अपनी फिक्र कर, दूसरों के फिक्र में जलना छोड़ दे तू। मलिक साहब, तुसी अपनी दवाइयां नहीं खा दिया होंगियां? वो दवाई को गोली मार तू, चाहे कप चाय लेके आ मेरे लिए, जा। अच्छा, मैं हुनी लेके आनी हूं। ऐसा दर्द तो कभी नहीं हुआ बिच, ये कैसा दर्द हुआ? राश्ता, ये तो बहुत खुशी की बात है, इस बहाने दिलावेज का घर उजड़ने से बच गया। हाँ रजिया, है तो खुशी की बात, मेरी बच्ची दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है, पर मुझे नहीं लगता अब उसका घर बसेगा। अरे राजदा, अपनी औलाद के लिए इतना बुरा बोल बोल रही है, अच्छा बोल। मैं रजिया क्या अच्छा बोलूं? अगर वाकई औजान ने मेरी बेटी को तलाक दे दी तो? अरे तो तूने उसे क्यों नहीं कहा कि वो दिल आवेश को किसी डॉक्टर के पास ले जाए चेकअप करवाने, ताकि औजान को पता चल जाए कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है या नहीं? ना तू क्या समझती है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा होगा, पर वो उस वक्त मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। ना मेरी बच्ची कैसे पालेगी दो दो बच्चों को, और मैं आज हूं कल नहीं हुई तो किसके सहारे जिएगी?
मुझे तो यही फिक्र खाई जा रही है। राजदा हिम्मत से काम ले, तू इतने छोटे दिल की तो नहीं थी। अच्छा मेरी बात सुन, अपने दिलो दिमाग से इस बात को तू निकाल दे कि औजान दिलावेज को तलाक दे देगा। और वैसे भी इस हालत में तलाक नहीं होती। जब औजान को पता चलेगा कि दिलावेज उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो वो उसे दोबारा से अपना लेगा। देख तू थोड़ा सा इंतजार कर, अल्लाह सब कुछ बेहतर कर देगा। अल्लाह करे। बीजान क्यों फोन? खैरियत तो है? अस्सलाम वालेकुम बीजान, खैर तो है? आज हमारी याद कैसे आ गई? मैंने काशान के लिए फोन किया है राशदा, वो हमारा खून है, मलक खानदान का चश्मो चिराग है। बीजान ये बात तो मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ ना, तो मुझे फोन करके ये बताने का क्या मतलब? तू काशान को हमारे हवाले कर दे राशदा।